हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, चाहे बात किसी अभिनेत्री के शादी से पहले प्रेग्नेंट की हो या फिर किसी अभिनेता के निजी जीवन को लेकर उन पर सवाल उठाए गए हो, पर्दे के पीछे इन सितारों को लेकर ऐसी ऐसी अफवाहें सामने आई जिन्होंने लोगों के होश उड़ा दिए। तो चलिए आपको भी बताते हैं कुछ ऐसी बिना सर पैर की अफवाहों के बारे में। नंबर एक, करीना कपूर खान। करीना बॉलीवुड की डीवा कही जाती है और अपनी हर एक अदा से वो लोगों को घायल कर देती है। हालांकि अफवाहों को लेकर उनका नाम भी हमेशा आगे रहा है। करीना को लेकर ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि जब वो 9वीं कक्षा में थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर उन्होंने गर्भपात करवाया था। हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोगों ने इस बात को पूरी तरह सच मान लिया था, जबकि ये झूठ है। नंबर दो, प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान। बॉलीवुड में अक्सर लव अफेयर्स को लेकर खबरें सामने आती रहती। इस बात को सभी जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब शाहरुख और प्रियंका के अफेयर की खबरें सामने आने लगी थी। हालांकि दोनों ने ही कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब ये अफवाह उड़ी कि अब्राहम शाहरुख और प्रियंका के बेटे हैं। दरअसल जब शाहरुख के घर अब्राहम का जन्म हुआ तो ये अफवाह उड़ी थी कि शाहरुख और प्रियंका ने टोरंटो में छिपकर शादी की और प्रियंका ने अब्राहम को जन्म दिया है। नंबर तीन, आलिया भट्ट। महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी आलिया भट्ट ने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में बताया था उनकी जिंदगी की सबसे अजीबो गरीब अफवाह उन्होंने ये सुनी थी कि वो पूजा और महेश भट्ट की बेटी है। बता दें कि महेश भट्ट और उनकी बड़ी बेटी पूजा भट्ट के किसिंग सीन की तस्वीर ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद से अफवाह उड़ गई थी कि आलिया पूजा की बहन नहीं बल्कि बेटी है। नंबर चार, सोनाक्षी सिन्हा। इसे एक अजीब इत्तेफाक कह सकते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल कुछ हद तक उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा की एक्स गर्लफ्रेंड रीना रॉय से मिलती है। रीना और शत्रुघ्न सिन्हा के अफेयर से हर कोई वाकिफ है, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। ऐसे में जब सोनाक्षी की फिल्म में एंट्री हुई तो लोग उनकी शक्ल की तुलना रीना से करने लगे। कई लोगों ने इस बात को भी सच मान लिया था, जिस पर सोनाक्षी ने काफी नाराजगी जताई थी। नंबर पांच, सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर। शेरशाह अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर के रिश्ते को लेकर भी अफवाह उड़ चुकी है। दरअसल ऐसा कहा गया था कि सिद्धार्थ और करण रोमांटिक रिलेशनशिप में और इस वजह से करण जौहर ने सिद्धार्थ को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में फिल्म में लॉन्च किया था। दोनों के डेटिंग की खबरों को लेकर काफी बातें सामने आई थी, हालांकि ये सब बकवास है। नंबर छह, अमिताभ बच्चन। बच्चन परिवार के लगभग सभी सदस्य फिल्मों में एक्टिव है और उन्हें लेकर भी कई तरह की बातें सामने आती है। हालांकि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या को लेकर एक बेहद ही घटिया अफवाह चर्चा में आ गई थी, जब ये कहा गया था कि आराध्या अभिषेक की नहीं बल्कि अमिताभ की बेटी है।